तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा टॉय जिसकी हम करेंगे अनबॉक्सिंग। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कीजिए सब्सक्राइब। तो आज है हमारे पास बिग फन का ये कीबोर्ड जो कि काफी अच्छा है, बजट फ्रेंडली है। अगर मैं बॉक्स की बात करूं तो इट इज वेरी इजी टू कैरी। और अगर बॉक्स की इंफॉर्मेशन तो इसमें आप देख सकते हैं 37 कीज, 8 टोन्स, 8 रिदम्स, 6 डेमोज एंड 4 परक्यूशंस। काफ़ी ही अच्छी पैकेजिंग है इसकी, पीछे डिफरेंट लैंग्वेजेस में सेम चीज़ मेंशन्ड है। बिना किसी देरी के इसके हम करेंगे अनबॉक्सिंग और आपको दिखाएंगे कैसा है ये कीबोर्ड। बॉक्स को रखते हैं हम साइड में और आते हैं अंदर के कंटेंट पे। तो दोस्तों, जैसे कि आप देख सकते हैं कि कीबोर्ड तो है ही, साथ में आपको मिलता है एक ये छोटा माइक्रोफोन भी। इसके साथ आपको मिलती है एक यूएसबी टाइप सी केबल जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डायरेक्टली पावर से चलाने के लिए, या फिर आप बैटरीज भी अटैच कर सकते हैं जिसको आप कहीं भी पोर्टेबल कीबोर्ड बना सकते हैं। जल्दी से हम लगाएंगे बैटरी और आपको सुनाऊंगा कि ये कीबोर्ड साउंड कैसा करता है। इसमें लगेंगे 4 हमारे डबल ए साइज के सेल्स। तो इस बैटरी को जल्दी से लगाते हैं और देखते हैं कैसा करता है ये साउंड। यहां पर है इसका ऑन ऑफ का स्विच। जैसे कि आपने सुना है, इसके स्टार्ट होने पे आता है ये म्यूजिक। अब अगर मैं इसकी बात करूं थोड़ा सा भूल गया मैं यहां पे, इसमें आप देख सकते हैं कि अलग अलग आपको टोन्स दी जाती हैं, अलग अलग रिदम्स दी जाती हैं जो कि आप यूज कर सकते हैं अपने म्यूजिक के लिए। यहां पे हैं वॉल्यूम रॉकर्स आपके, जैसे आप वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस कर सकते हैं। ये आप अलग अलग म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स की वॉइस या साउंड को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक पियानो आप अगर चूज करेंगे तो आएगी इसमें से पियानो की आवाज। ये है एक बैंजो की आवाज। इसी तरह आपको मिलती है वाइब्रोफोन, म्यूजिक बॉक्स, ऑर्गन, गिटार, वायलिन और ट्रम्पेट की आवाज। इसके साथ आपको मिलते हैं इसमें थोड़े से प्री रिकॉर्डेड म्यूजिक भी, जैसे कि इसमें आप अपने वॉल्यूम तो कंट्रोल कर ही सकते हैं, साथ में आप कंट्रोल कर सकते हैं अपना टेम्पो भी। काफी अच्छा है इसका साउंड अपनी बजट के हिसाब से। फॉर दिस प्राइस पॉइंट इसकी आवाज बहुत अच्छी और बहुत तेज है। तो मेरे जितने भी यंग व्यूअर्स हैं, जितने भी यंग लोग हैं जो अपना एक न्यू टैलेंट, एक न्यू पैशन डिस्कवर करना चाह रहे हैं फॉर स्टार्टिंग, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। जो नई एज 4 से 5 साल के बच्चे होते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है ये, जो कि इसको इससे स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे जो इसके साथ आता है एक्सटर्नल माइक, वो कैसे यूटिलाइज होता है, वो कैसे फंक्शन करता है। लेट अस सी। पीछे इसके आपको यहाँ पे दे रखे हैं इसके पोर्ट्स, जहाँ से आप इसको चार्ज भी कर सकते हैं, डायरेक्ट पावर सप्लाई से भी यूज कर सकते हैं। साथ में ये रहा हमारा माइक का पोर्ट। तो चलिए माइक लगाते हैं हम अपना। ये हमने अपना माइक कर दिया है इस पर अटैच। हेलो हेलो हेलो। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस माइक को आप यूज़ करेंगे तो आवाज़ आती है इस कीबोर्ड के ही स्पीकरों से। तो ये काफ़ी अच्छा सिस्टम बनता है, बहुत अच्छा कैरियोके सिस्टम भी, आप इसको एज अ कैरियोके भी यूज़ कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो। जैसे कि आपने सुना, इन्हीं स्पीकरों से आपके माइक की भी आवाज़ आती है, साथ में आप म्यूज़िक तो प्ले कर ही सकते हैं। ओवरऑल अगर इसमें प्रोडक्ट के बिल्डअप क्वालिटी की बात करूँ तो ऑफकोर्स फॉर दिस प्राइस पॉइंट ये काफ़ी अच्छा है, बहुत स्टडी है। आपको लगेगा नहीं कि यू आर यूजिंग अ वेरी चीप प्रोडक्ट या बहुत सस्ता प्रोडक्ट है ये। मुझे काफ़ी सही में अच्छा लगा। बटन्स की क्वालिटी वगैरह की अगर मैं बात करूँ तो दे आर वेरी स्टेडी, बहुत अच्छी है।
साथ में आपको इसमें जो माइक होल्डर भी मिलता है, तो ये जो आपका एक्सटर्नल माइक है इसको आप इसमें भी अटैच करके रख सकते हैं, जिससे कि कभी मिसप्लेस ना हो, आपको रखने में ज़्यादा जगह भी यूटिलाइज नहीं कर पाए और आपका कभी माइक मिसप्लेस भी ना हो। तो ऑफ कोर्स आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने लिए स्टार्ट करने के लिए या एक इंटरेस्ट को डेवलप करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसको ज़रूर परचेज कीजिए। आप करके देखिए कि कैसा फंक्शन करता है ये पियानो, कैसे काम करता है, एंड ऑफ कोर्स यू कैन गो फॉर द हायर एंड पियानोज ऑल्सो। ऐसे और टॉयज़ और पियानोज की और इंस्ट्रूमेंट्स की वीडियो, अनबॉक्सिंग वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। डू रिमेंबर टू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।